मोदी जी तो हैं, एक नंबर हैं, लेकिन नीचे के कर्मचारी कोई मतलब के नहीं है। देखने की सरकार है और कुछ नहीं है। सब मोदी मोदी करते हैं, सिर्फ देखने का मोदी है। किसानों को 10-10 11-11 बजे रात जाना पड़ रहा है रात में। सरकारी जो कर्मचारी या मंडी कर्मचारी वो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, सिर्फ गाड़ी का पेमेंट जाए, गाड़ी निकली तो उनको पैसा चाहिए। एक भी गार्ड नहीं है, बता दो, एक मंडी में एक गार्ड नहीं है। 42 गार्ड रहे, सब गार्ड भग गए। इन लोग सकून से 20 रुपए बोरा ले रहे हैं। गाड़ी आए जाए, कौन का गैया अंदर जा रही बाहर जा रही, उनसे कोई मतलब नहीं। व्यापारी परेशान हो रहा है, दुकान निकला 20 रुपए दो। मोदी सरकार आने से पहले किसान की स्थिति बेहतर थी कि अब बेहतर है? अरे बेहतर जबी भी थी अभी भी है, लेकिन ऐसा है, लेकिन देख रहे कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी अच्छे हैं। साल हर साल यहाँ मटर का सीजन होता है और अव्यवस्थाएं होती हैं। दो तीन किसान ऐसे फांसी लगा के मर चुके हैं। बेलखेड़ा क्षेत्र से एक किसान मरा है, 100 एकड़ में मटर बोया था, वो फांसी लगा के मर गया। टाइम तो कुछ नहीं पूछे, मान लो 2 बजे के आए हो तो 12-11 बजे रात को जाना पड़ता है, और सुबह 6 बजे फिर उठ जाओ, 5 बजे फिर मटर में फिर लग जाओ। 5-6 घंटे सोने मिलता है किसान को मात्र। वो तो अब क्या करें, मेहनत कैसा लगता है जब धूप तपती है, रात रात शिफ्ट बदलते हैं, पूरी रात जग के मटर में 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा की शिफ्ट लगती है, जब जाके कहीं फसल मटर पैदा होता है। किसान सभी चीज से परेशान है, किसान को ना लाइट मिली तरीका से, लाइट के लिए बोल मतलब 10 घंटे देती है किसानों को। 5 एकड़ टमाटर लगा है, 5 एकड़ में ये बताओ टमाटर ट्राई निकल रहा है। 10-7 घंटे मुश्किल से मिलती है। लाइट के बारे में कहना चाहता हूँ कि 10 घंटा सरकार बोली 10 घंटा मिलती है, मान लीजिए तुम 6-7 घंटे में एक ट्यूबवेल है आपका, 10 लोजन चल रहे हैं, तो 8-7 घंटे में कैसी सिंचाई कर पाओगे आप, ये बताइए। लेकिन आज तक मंडी आप आए नहीं सचिव साहब, तो हम मिल करके ये सवाल जरूर पूछेंगे। हाँ, उनसे आप उनसे ये पूछिए। पर्याप्त जगह है मंडी में, सिर्फ व्यवस्थाएं नहीं है बस। सरकारी जो कर्मचारी या मंडी कर्मचारी वो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, सिर्फ गाड़ी का पेमेंट जाए, गाड़ी निकली तो उनको पैसा चाहिए। अब जैसे सफाई की ही बात यहाँ पर हुई, तो जो टैक्सेशन होता है तो उसका तो नगर निगम को जाता है। उनका नहीं, टेंडर मंडी का है। अच्छा। नगर निगम का कोई टेंडर नहीं। अच्छा। टेंडर मंडी का है, समझ रहे ना आप। यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है, मंडी प्रशासन की पूरी गलती है, ताकि न गाड़ी की, न ड्राइवर की, न किसान की कोई गलती नहीं है। कभी अधिकारी एक भी गार्ड नहीं है, बता दो, एक मंडी में एक गार्ड नहीं है। 42 गार्ड रहे, सब गार्ड भग गए। इन लोग सकून से 20 रुपए बोरा ले रहे हैं। गाड़ी आए जाए, कौन का गैया अंदर जा रही बाहर जा रही, उनसे कोई मतलब नहीं। व्यापारी परेशान हो रहा है, दुकान निकला 20 रुपए दो। मैं सरकार से यही मनोकामना करता हूं कि मटर का रेट थोड़ा और टाइट हो। किसान 8 रुपए से लेकर 15-16 रुपए तक बिक रहा है। बेचारे किसान 10,000 रुपए बीज ले रहे हैं, तो उनको क्या पड़ रहा है, सिकमी 35-40 हजार रुपए एकड़ लेते हैं, लेकिन वो किसान क्या करेगा। कई किसान ने अभी पानी गिरा था जिसने, तो फांसी लगा के मर गए। बहुत सी दो तीन किसान ऐसे फांसी लगा के मर चुके हैं। बेलखेड़ा क्षेत्र से एक किसान मरा है, 100 एकड़ में मटर बोया था, वो फांसी लगा के मर गया। रेट की वजह से जैसा भी, लेकिन मतलब मुआवजा भी कुछ नहीं मिला। सरकार देखने की सरकार है और कुछ नहीं है। सब मोदी मोदी करते हैं, सिर्फ देखने का मोदी है। किसानों को 10-10 11-11 बजे रात जाना पड़ रहा है रात में। मोदी सरकार आने से पहले किसान की स्थिति बेहतर थी कि अब बेहतर है? अरे बेहतर जबी भी थी अभी भी है, लेकिन ऐसा है, लेकिन देख रहे कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे के शिवराज सिंह चौहान है जैसे इसके नीचे वाले कोई कुछ नहीं देखता है। मोदी जी तो है, एक नंबर है, लेकिन नीचे के कर्मचारी कोई मतलब के नहीं है हमारे हिसाब से। कितना टाइम लग जाता है मटर को बेचने में? अरे टाइम तो कुछ नहीं पूछे, मान लो 2 बजे के आए हो तो 12-11 बजे रात को जाना पड़ता है, और सुबह 6 बजे फिर उठ जाओ, 5 बजे फिर मटर में फिर लग जाओ। 5-6 घंटे सोने मिलता है किसान को मात्र, बताइए आप। चार्जे नहीं हो पाए। अब मुंह लटका के 10 रुपए में क्या भैया, मुंह लटका क्या भैया, क्या रेट बिका आपका मटर? पापा ने, बेटा ने बोला 8-10 रुपए बिका। अरे यार क्या करेंगे, अपन तो कुछ नहीं बचा। अभी एक किसान से हम मिले, 3 एकड़ की फसल 16,000 रुपए में वो बेच के गए हैं, और बोले 25,000 के करीब तो खर्च ही लग गया। अरे भैया मजूरी नहीं चुक पा रही, समझिए हालात है किसान जी। हाँ बीज तो छोड़ो, खाद उगरा छोड़ो, मजूरी नहीं पड़ रही है। मजदूरी भी 300-400 रुपए तोड़ाई लग रही है, देना पड़ता है।